तुम्हें खुदा का हुक्म है कि तुम अपने बेटे को राह खुदा में ज़िबह कर दो, यानी के कुर्बान कर दो। दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं, मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो ऐसी देखी थी जिसके अंदर हमें पूरी स्टोरी पता चली थी कि क्या कहते हैं जो ये बकरा ईद है वो क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है। पर शायद आज की जो वीडियो है उसमें हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हम आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं, मुसलमान बकरा ईद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। और मेहरबानी करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के काफी टाइम पहले, यानी के तकरीबन 4000 साल पहले, अल्लाह के एक और नबी थे जिनका नाम हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ने इनका कई तरीकों का इम्तिहान लिया जिनमें ये खरे भी उतरे। अल्लाह ने एक मर्तबा इनका इस तरह से इम्तिहान लिया कि इनको एक बार रात में ख्वाब आया जिसमें उन्होंने देखा इन्हें कोई आवाज दे रहा है और कोई कह रहा है कि ऐ इब्राहीम, तुम्हें खुदा का हुक्म है कि तुम अपने बेटे को राह खुदा में ज़िबह कर दो, यानी के कुर्बान कर दो। दोस्तों, हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, वो भी 90 साल की उम्र में बड़ी मन्नतों के बाद हुआ था और उसका नाम था हजरते इस्माइल अलैहिस्सलाम। जरा सोचिए कि एक बाप को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत होती है, जो सिर्फ एक ही था, एकलौता एक था और वो भी बुढ़ापे में मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, बड़ी दुआओं के करने के बाद पैदा हुआ था। लेकिन दोस्तों, नबियों का ख्वाब बिल्कुल सच्चा होता है, इसीलिए आप अपने प्यारे बेटे हजरते इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले गए, क्योंकि अल्लाह की यही मर्जी थी। दोस्तों, उस वक्त हजरते इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र भी बहुत कम थी, इसीलिए आपने उनसे सिर्फ उतना ही कहा कि बेटा, एक रस्सी और छुरी लेकर मेरे साथ चलो। उसके बाद आप अपने बेटे को लेकर एक जंगल में पहुंचे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी पूछा कि अब्बा जान, आप ये छुरी और रस्सी लेकर क्यों चल रहे हो? तो आपने फरमाया कि आगे चलकर एक कुर्बानी करेंगे। फिर आगे चलकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ अपने बेटे से अर्ज किया कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं तो अल्लाह के हुक्म से तुझे यहाँ ज़िबह करने के लिए लेकर आया हूँ। मैंने ख्वाब में देखा हुआ है कि अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी मांगी है, तो बेटा अल्लाह की मर्जी यही है। तो दोस्तों, ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, जब अल्लाह की मर्जी यही है तो फिर मेरी मर्जी का क्या सवाल है? आपको जिस बात का हुक्म हुआ है आप वो कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करके दिखाऊंगा। लेकिन एक बात का आप जरूर ख्याल रखें, आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाओ उस वक्त आप मुझे उल्टा लिटा देना और आप अपने आँखों पर एक पट्टी बांध लेना, क्योंकि आप कहीं छुरी चलाते वक्त मुझ पर रहम ना कर दो और छुरी चलाते वक्त आपके हाथ ना कांपे। दोस्तों, अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनने के बाद हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी अपने बेटे के कुर्बानी के लिए वो तैयार हो गए। दोस्तों, एक बाप अपने बेटे को ज़िबह होते हुए नहीं देख सकता है, इसीलिए आपने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। फिर आपने अपने बेटे को माथे के बल लिटाया और गर्दन पर छुरी रखी और उस छुरी को चला दिया, मगर वो छुरी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को बिल्कुल भी नहीं काटा। उसके बाद आपने और जोर से छुरी चलाई तो एक आवाज़ आई, बस कर ऐ इब्राहीम, तुमने अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दिखाया है और तुम एक बहुत बड़े इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। आपने अपनी आँखों से पट्टी हटाई तो देखा छुरी के नीचे एक दुम्बा था और मुड़ कर देखा तो हजरते इस्माइल अलैहिस्सलाम पास में खड़े हुए थे। इस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुम्बे को ज़िबह कर दिया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उठ बैठे और इस इम्तिहान में वो कामयाब हो गए। दोस्तों, अल्लाह पाक को हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बेहद पसंद आई, इसीलिए इस कुर्बानी की याद में कयामत तक के मुसलमानों के लिए एक हलाल जानवर, चाहे वो बकरा हो, ऊंट हो, दुम्बा हो, इनकी कुर्बानी करने का हुक्म दे दिया। तो दोस्तों, यही वजह है
मुसलमान बकराईद पर कुर्बानी करते हैं और एक हलाल जानवर को कुर्बान करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको भी पता चल गया होगा कि मुसलमान बकराईद के मौके पर कुर्बानी क्यों करते हैं। मुझे तो आज की वीडियो बहुत पसंद आई, मतलब बहुत अच्छा मैसेज था आज की वीडियो के अंदर कि हमें अपने अल्लाह पर, अपने भगवान पर पूरा भरोसा करना चाहिए। जैसे हजरत इब्राहिम का जो भरोसा दिखाया अपने अल्लाह पर इस पूरी वीडियो के अंदर, मतलब जितने भी हमने इनकी हिस्ट्री की वीडियोस देखी हैं उसके अंदर हमने यही अब तक देखा है कि उनका अपने अल्लाह पर इतना विश्वास था कि 90 साल बाद उनको औलाद मिली, और अगर उनको वो भी कुर्बानी करने के लिए देनी पड़ी तो वो बहुत हंस के बहुत आराम से उसकी कुर्बानी दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है सच में। पर हाँ, आज की वीडियो बहुत अच्छी थी, काफी इन्फॉर्मेटिव थी। आई थिंक आज की वीडियो से ना आज की जनरेशन को बहुत बड़ा मैसेज मिलता है, क्योंकि हमें तो अगर कोई छोटी सी चीज नहीं मिलती तो हम अपने खुदा से, अपने अल्लाह से जो है शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम जी को इतने सालों बाद एक औलाद दी थी, और वो भी उन्होंने सपने में उनको कहा कि इस औलाद की कुर्बानी दे दो, तो उन्होंने हंसते हंसते वो चीज जो है अपने अल्लाह के लिए कुर्बान करनी चाही। पर चलो, जैसे कि वो अल्लाह के बहुत प्यारे थे, वो अल्लाह के बड़े करीब थे, तो अल्लाह ने उनके लिए चीज का जो पूरा दस्तूर था वो बदल दिया, और वो इतने खुश हुए कि इतना प्यार करते हैं हजरत इब्राहिम जी उनसे। तो वाकई में आज की जो पूरी वीडियो थी ना, वो आज की यूथ के लिए बहुत स्पेशल होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक हम सबको इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है, और आज की वीडियो हमें बहुत पसंद आई। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।